गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉर्न टू ट्रैवल। आज हमारी नासिक टूर का दूसरा दिन है, मॉर्निंग का 7 बजे का टाइम है एंड वी आर ऑल सेट टू गो फॉर त्र्यंबकेश्वर। हम लोग अभी यहाँ पे हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर त्र्यंबकेश्वर जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो जैसे मैंने कल आपको बताया था, ये प्रीमाइसिस में एक बहुत ही सुंदर डेरा सर है। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं और भगवान के आशीर्वाद लेते हैं। नाउ ऑल सेट टू गो फॉर त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। और ये मेरे पीछे अभी हम लोग ये बस में जो हमारे साथ में डे वन से है उसमें बैठ के अभी हम लोग जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। यहाँ से डिस्टेंस वाइज अगर बात करें तो अराउंड 30 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, और ट्रैवलिंग आवर्स की बात करें तो अराउंड 1.5 आवर्स जर्नी है यहाँ से। वी हैव रीच एट द नासिक सिटी। देवलाली से अभी हम लोग नासिक पहुंच गए हैं, और ये देखिए ये मेन जंक्शन है नासिक सिटी का। अभी यहाँ मॉर्निंग के 9:30 बजे का टाइम है, और ये हम लोग अभी त्र्यंबकेश्वर मंदिर के वहाँ पे पहुँच गए हैं, और अभी अंदर जाएंगे और मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करेंगे। ये जो मंदिर है उसकी बहुत सारी खासियतें हैं, मैं थोड़े समय में अंदर जाता हूँ और अंदर जाके फिर आपको एक करके एक बताता हूँ। सुबह का समय है, बहुत ही अच्छा वेदर है यहाँ पे, और ये मेरे पीछे देखिए पहाड़ी, 3 पहाड़ियों के बीच में ये मंदिर है। ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और कलागिरी, ये 3 पहाड़ी की तलेटी में श्री त्र्यंबकेश्वर जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है उसका मंदिर है। और अभी हम लोग अंदर जाएंगे और शिवलिंग के दर्शन करेंगे। 12 ज्योतिर्लिंग जो है उसमें से ये ज्योतिर्लिंग जो है वो हर तरह से अलग है, क्योंकि जितने भी ज्योतिर्लिंग, जो प्रमुख ज्योतिर्लिंग मंदिर है उसके अंदर एक सिंगल शिवलिंग होता है, लेकिन ये जो मंदिर है उसमें 3 शिवलिंग है जिसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप माना जाता है। चलिए अंदर चलते हैं और अंदर जाके आशीर्वाद लेते हैं भगवान शिव के। मंदिर के पास हम लोग पहुंच गए। देर आर 2 गेट्स टू एंटर इनसाइड द टेम्पल, और ये जो हम लोग अभी पहुंचे हैं वो है उत्तर द्वार। तो चलिए अंदर चलते हैं।
मेरे पीछे है उत्तर गेट, और ये अगर आपको डोनेशन लेके अंदर मंदिर में जाके दर्शन करने हैं डोनेशन देके, तो वो यहाँ से ये गेट से आप एंट्री ले सकते हो उत्तर गेट से। और ये मेरे पीछे देखिए, ये है डोनेशन काउंटर, यहाँ से आपको रिसीप कलेक्ट करनी है, 200 रुपया उसका चार्ज है डोनेशन का। ये हम लोग दूसरे गेट से अभी अंदर जा रहे हैं, और वहाँ पे एंट्री फी है 200 रुपीज़ पर पर्सन, और अभी ये शू स्टैंड में रखेंगे हमारे शूज, और आगे फिर दर्शन के लिए जाएंगे। फूल वगैरह कुछ लेना है, पूजा की सामग्री वगैरह लेनी है, तो यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं। और ये चलते हैं अंदर मंदिर के अंदर, और जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये डोनेशन वाली गेट है, तो यू हैव टू पे 200 रुपीज़ पर पर्सन फीस। तो चलिए चलते हैं। ये मेरे पीछे ईस्ट गेट है, और अभी यहाँ से हम लोग अंदर एंट्री कर लेंगे। बड़े दिन जहाँ पे भक्तों की ज़्यादा भीड़ रहती है, तो यहाँ पे विशेष सुविधा रखी गई है। और ये देखिए, बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे, यहाँ पे बैठने के लिए भी क्यू में फैसिलिटी है, तो यहाँ पे आप लंबी अगर कतार रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होती है भक्तजनों को। ओह, बड़ी भीड़ है यहाँ पे, ये पीछे मेरे आप देख सकते हो काफ़ी कतार है यहाँ पे, तो भक्तों की भारी भीड़ है। आज शनिवार का दिन है, उसकी वजह से यहाँ पे लोगों की भारी भीड़ है, फिर भी हर हर महादेव का नाम लेके चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। मंदिर परिसर में जगह जगह पे ऐसे बड़े LED स्क्रीन लगाए हुए हैं, जहाँ पे आप लाइव दर्शन कर सकते हो। मंदिर में गर्भगृह में जैसे ही आप एंटर होगे, तो नॉर्मल क्यू और VIP दर्शन वाली क्यू जो है, वो दोनों आपस में मिल जाती है। ये एक उदाहरण है कि भगवान के दरबार में सभी एक समान है।
अभी हमने अंदर जाके भगवान शिव की शिवलिंग के दर्शन किए। रियली अद्भुत, मतलब नो वर्ड्स फॉर दिस। जैसे अब गर्भगृह में एंटर होते हो तो बड़ा सा गुंबज है, और उसके गुंबज के नीचे वहाँ पे अगर आपको किसी प्रकार की विधि वगैरह अगर करवानी है, जैसे कल्प सर्प दोष है, तो वो आप करवा सकते हो। बहुत सारी विधियाँ यहाँ पे होती है मंदिर में, और उसके पर्टिकुलर डेज होते हैं जब यहाँ पे विधियाँ संपन्न की जाती है, तो वो भी आप इस मंदिर में आके करवा सकते हो। और अंदर जाके जैसे आप अंदर एंटर होगे तो वहाँ से बड़ा आईना लगा हुआ है, वहाँ पे आप शिवलिंग के दर्शन कर सकते हो। रियली अद्भुत। अगर आप नासिक आते हो तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर आपको ज़रूर से आना चाहिए। अभी हमने अंदर मंदिर में जाके भगवान की शिवलिंग के दर्शन किए, और अभी आगे की यात्रा हम लोग कंटिन्यू करेंगे। काले पत्थरों से बना ये मंदिर हिंदू आर्य शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है। जैसे ही आप मंदिर में एंटर होते हो तो आपको तीन छोटे शिवलिंग के दर्शन होंगे, जिसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप माना जाता है। इस शिवलिंग की और ये मंदिर की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि बाकी जितने भी प्रमुख ज्योतिर्लिंग मंदिर हैं उसमें भगवान शिव के लिंग के दर्शन होते हैं, लेकिन ये एक लौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे तीन स्वरूप आपको दिखेंगे, जिसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्थान दिया गया है। आप मंदिर परिसर में अगर आप जाएंगे तो आपको विशाल त्रिशूल के दर्शन होंगे, जो ये पूरे मंदिर की शोभा को अतिवृद्धि करते हैं। मंदिर के पीछे की साइड पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक शिवलिंग के दर्शन होंगे। मंदिर के अंदर तो आप शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकते हो, लेकिन पीछे की साइड पे जो शिवलिंग है वहाँ पे फूल की सेवा और जल की सेवा आप अर्पण कर सकते हो। मंदिर में दर्शन करने के बाद में अभी हम लोग अभी वापस जा रहे हैं अनंत आरोग्य निधि देवलाली में, जहाँ पे हमारा स्टे है, और फिर वहाँ पे हमारा दोपहर का लंच रहेगा। मंदिर में दर्शन करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं पार्किंग लॉट में, जहाँ पे हमारी बस पार्क की गई है, और ये है विशाल पार्किंग लॉट। मंदिर परिसर से हार्डली 400 मीटर की दूरी पे है ये। दोपहर का 2 बजे का टाइम है, और हम लोग फाइनली त्र्यंबकेश्वर टेम्पल से अभी यहाँ पे अनंत आरोग्य निधि सैनिटोरियम में वापस आ गए हैं। अभी हम लोग दोपहर का लंच करेंगे यहाँ पे। शाम का प्रोग्राम कुछ ऐसा है, यहाँ पे लेट इन द इवनिंग यहाँ पे गरबे का प्रोग्राम रखा हुआ है, तो शाम को हम लोग गरबा इंजॉय करेंगे। और तो चलिए अभी मैं हम लोग लंच फिनिश करते हैं हमारा। हे गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं अभी लैम रोड देवलाली कैंप में, और मैं यहां पे अभी मेन रोड पे आया हूं जस्ट वॉक करने के लिए। और ये मेरे पीछे देखिए, ये पूरा जो है वो है लैम रोड, वेरी ब्यूटीफुल रोड। नंबर ऑफ ट्रीज आर देयर, नंबर ऑफ शॉप्स आर देयर, मच डेवलप्ड सिटी। और इवनिंग वॉक करने के लिए आया हूं। सेकेंड हाफ में आज हमारा कोई एक्टिविटी नहीं था, रेस्ट डे था। कल मॉर्निंग में वापस हम लोग जाएंगे और साइट सीइंग के लिए। तो थोड़े समय में अभी गरबा का आयोजन किया गया है, तो अभी स्टार्ट हो जाएगा गरबा। तो मीन टाइम में मैं आई थॉट कि इंस्टेड ऑफ रेस्टिंग ओवर देयर, चलो थोड़ा वॉक कर लेते हैं और एरिया को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं, अंदर चलते हैं और गरबा को एंजॉय करते हैं।
आफ्टर हैविंग फैबुलस गरबा राउंड नाउ ऑल सेट फॉर द म्यूजिकल चेयर। After having a fabulous group photo session, now we are going to have our dinner. आज का ये vlog आपको शायद different लग सकता है क्योंकि up till now मेरे सब travel vlogs रहते हैं, तो second half में somewhat different vlog बनाने की कोशिश की है और we really had a very fabulous evening today. तो चलिए अभी dinner finish करते हैं। हेलो एवरीवन, जस्ट नाउ वी हैड फिनिश अवर डिनर और उसके बाद में हमारा एक गेट टुगेदर था कम्युनिटी मेंबर्स के साथ में एंड रियली वी हैड ए एक्सीलेंट टाइम, वी हैड ए ब्यूटीफुल टाइम इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस डे। मेरा सेकेंड हाफ का ब्लॉग शायद मे भी आपको डिफरेंट लगेगा, रियली होप को आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा और कल के दिन की शुरुआत करेंगे मॉर्निंग में, थोड़ा जल्दी ट्रैवल करने वाले हैं हम लोग, तो मैं कल मिलता हूँ आपको। टुडे इज़ द एंड ऑफ द डे टू, तो मैं मेरा व्लॉग यहाँ पे ही फिनिश करता हूँ और कल मॉर्निंग में जल्दी मिलते हैं, नए दिन की शुरुआत करेंगे। तो देखते रहिए मेरी चैनल को, अगर आपको मेरी चैनल अच्छी लगती है और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। चलिए, गुड नाइट, टेक केयर।